नमस्कार दोस्तों, हम बनाएंगे साउजी चिकन हंडी। साउजी चिकन हंडी कैसे बनती है ये आज हम दिखाएंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, अदरक लहसुन पेस्ट, नमक, हल्दी, कॉर्नफ्लावर, मैदा, और इससे से हम अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसको अब हम तेल में फ्राई करेंगे। अब हम इसे तेल में फ्राई कर रहे हैं। तेल में इसे बस 2 मिनट तक ही पकाने का है, ज़्यादा पकाना नहीं इसमें। तेल में थोड़ा फ्राई होने के बाद इसको निकाल लेना है। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे, सब्जी मसाला बनाएंगे इसका। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, प्याज, इसमें अदरक लहसुन का तेल डाल दिया है, इसको अच्छे से मिला लेंगे। नमक, लाल मिर्च, किचन किंग मसाला डाल दिया इसमें, कोकोनट पाउडर, धना पाउडर, कसूरी मेथी, थोड़ा सा ऑयल तरी वाला, और इसे हम अच्छे से अभी मिला लेंगे। थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर दिया है, थोड़ा सा चिकन सूख जाएगा इसमें। और अब हम इसमें ग्रेवी ऐड करेंगे। ग्रेवी को अच्छे से पका देंगे अभी। अब हम इसमें जो फ्राई किए हुए पीस है चिकन के, वो इसमें ऐड करेंगे। अब थोड़ा सा गैस कम करके धीमी आंच में इसको पकाएंगे, ताकि तरी अच्छे से निकलेगी। अभी हमारा साउजी चिकन मसाला, चिकन हंडी तैयार हो गई है। अभी हमारी साउजी चिकन हंडी अच्छे से उबल रही है और तरी आना भी चालू हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे और ये हमारी हंडी हो चुकी है। ये हमारी साउजी चिकन हंडी तैयार हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए।